मैं निकला ओ गड्डी लेके और दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के वन ऑफ द एक्शन स्टार यानी सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 की रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं ये फिल्म 29वें दिन थिएटर्स में चल रही है और लगातार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले 29 दिन होने के बावजूद फिल्म की कमाई लगातार ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है और थकने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं पठान फिल्म की हिंदी वर्जन लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड करने के स्ट्रगल में लगी हुई है। तो वैसे भी आप तो जानते हैं कि फिल्म ने ऑलरेडी बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन ने लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिए। तक गदर 2 हिंदी वर्जन के कलेक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली पठान के बाद दूसरे नंबर की बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के अब तक के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं फिल्म आज यानी 29वें दिन कितने करोड़ की कलेक्शन कर रही है ये भी हम जानने वाले हैं। कि आप सभी जानते हैं कि साल 2001 में गदर 1 प्रेम कथा रिलीज हुई थी और उस समय किसी ऑडियंस ने सोचा भी नहीं होगा कि गदर 1 प्रेम कथा का दूसरा सिक्वल भी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों यही वजह है गदर 2 फिल्म जैसे ही रिलीज हुई फिल्म को ऑडियंस का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि फिल्म ने बॉलीवुड की हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सबसे तेज यानी कम समय में 500 करोड़ के क्लब में इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में गदर 2 केवल 24 दिनों में ही 500 करोड़ का आंकड़ा तय कर लिया था। तो वहीं पठान को भी 28 दिन का समय लगा और इसके अलावा बाहुबली 2 को लगभग 32 दिन का समय लगा था। तो जिसने फिल्म आज के दिन ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1,25,00,000 रुपए तक के कलेक्शन करते दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बता दें कि फिल्म 29 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 513,52,00,000 रुपए के देखने को मिल सकती है। तो वहीं दिनों की दुनिया भर में हुई कलेक्शन लगभग 671,65,00,000 रुपए का देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। ऐसे बात कर लेते हैं अब तक की फिल्म को पठान हिंदी वर्जन में लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और कितने करोड़ रुपए के कलेक्शन करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पठान फिल्म के हिंदी वर्जन से लगभग 524,53,00,000 रुपए की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया और यही वजह है कि गदर 2 को कम से कम 525 करोड़ रुपए के हिंदी वर्जन से नेट कलेक्शन कम तो करना ही होगा। समझिए तो 29 दिनों के कलेक्शन के साथ ही इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में लगभग 513 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी होगी। जी पठान फिल्म हिंदी वर्जन के लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गदर 2 को 12 करोड़ रुपए कमाने होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, पठान फिल्म की हिंदी वर्जन लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड गदर 2 ब्रेक कर सकेगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।